उज्जैन में रविवार को राहगीरी के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भजन राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी गाया। श्री राम, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी ही न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ को रखवाले, कोहे कबर क्या हो भोले भाले, कोहे कबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखो जीना भरेगा, सो बार देखो फिर जी करेगा, सो बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे ये नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सीएम ने राम जानकी की आरती उतारकर राहगीरी की शुरुआत की। उन्होंने लोहे की छड़ घुमाई, पंजा लड़ाया और घुड़सवारी भी की। सीएम ने कहा, हम सबका सौभाग्य है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद कल अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कल पुण्य अवसर पर पूरे देश भर में दिवाली मनेगी। आप भी अपने अपने घरों में दीप जलाएं, मिठाइयां बांटें और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें। इस बार राहगीरी भगवान राम के चरणों में समर्पित की गई, इसीलिए इसे श्रीराम राहगीरी आनंदोत्सव नाम दिया गया। राहगीरी अंकपात से शुरू होकर सांदीपनी आश्रम पर समाप्त हुई। नमस्कार, मैं हूं नीरज मालविया और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आज उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन में आज श्री राम राहगीरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी करने वाले हैं। आप हमारे बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर आयोजित के लिए लोग आए हुए हैं, लहराते हुए दिख रहे हैं और हम भी क्यों ना, क्योंकि कल श्री राम लगा अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। राजी ढोल नगाड़ों की आवाज, श्री राम भगवान लक्ष्मण भगवान जानकी की पूजा अर्चना के साथ यह आयोजन सम्पन्न होने जा रहा है। कुछ नागरिक हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं। तो यह आयोजन बड़ा ही भव्य होने वाला है, क्योंकि हजारों से ज्यादा संख्या में यहाँ पर सब धर्मालु आए हुए हैं रायगिरी के लिए और भव्य क्यों ना, क्योंकि कल 24 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। एक आहुति उज्जैन नगर की श्री राम राहगीरी के माध्यम से
तो इसको देने के लिए हम सब यहाँ एकत्र आए। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।